नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में दो और लड़कियों के धर्म परिवर्तन करके प्रेम विवाह रचाने का मामला सामने आया है। इन दोनों मुस्लिम युवतियों ने प्रेमियों के साथ मंदिर पहुंचकर हिंदू धर्म अपना लिया। बता दें, शादी को आर्य समाज मंदिर में रजिस्टर्ड भी कराया है। दोनों का विवाह मणिनाथ स्थित अगस्त मुनि आश्रम में हुआ। पंडित के शंखधार ने इन लड़कियों को हिंदू धर्म में प्रवेश कराने के बाद विवाह कराया। धर्म परिवर्तन के बाद इरम जैदी स्वाति बन गई, तो शहनाज अब सुमन हो गई हैं। दोनों युवतियों ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से हिंदू धर्म अपनाकर शादी की है। इसके बाद वे एसएसपी कार्यालय भी पहुंची हैं। वहां उन्होंने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। सुनिए इन युवतियों का क्या कहना है। शहनाज, अब सुमन बन गई हूँ। सुमन, ये बताइए कैसे आपका इनसे मिलना जुलना हुआ, किस तरीके से आज आपने शादी की, पूरी बात बताइए। मैंने इनसे शादी की, बस 2.5 साल से प्रेम करती हूँ इनसे। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। 2.5 साल से कैसे मुलाकात हुई थी, कहाँ मुलाकात हुई थी? हम एक गांव के रहने वाले हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसी जान पहचान हो गई थी, हम एक दूसरे प्रेम करने लगे थे। लेकिन आप तो मुस्लिम है, वो हिंदू है। हाँ जी, हिंदू समाज से, मैं समाज से, मतलब इनका हिंदू समाज में अच्छा लगता है मुझे अपना। आपको क्या खतरा वगैरह भी है जान का? हाँ, अपने घर वालों से मुझे अपना खतरा है, मैं जान को खतरा है, पहले से मुझे खतरा। मैं वहाँ पर रहती थी तो मुझे मारते थे, पीटते थे, काटते थे, मेरे हाथ तक कटा हुआ है और मेरे लिए कबर भी खोद रखी थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये देखिए, अब से एक महीना पहले की बात है ये। मैं खुद अपनी जान बचा के आई थी वहाँ से। अब आप क्या मांग करने आई यहाँ पर? मैं ये कहना चाहती हूँ बस हमें सुरक्षा दी जाए, हम दोनों को, हमारी दोनों को जानों को खतरा है। आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम इरम। इरम? इरम जैदी। कहाँ की रहने वाली हैं? बहेड़ी। किसके साथ आई हैं? आदेश कुमार के साथ। अपनी मर्जी से आई हैं? हाँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। कोई जोर दबाव? ना, कोई जोर दबाव नहीं। अच्छा, किसी ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की? ना। कोई बहलाए फुसलाए तो नहीं आपको? ठीक, अपनी मर्जी से आई हैं आप, कोई जोर दबाव नहीं है आप, और आप बालिग हैं? हाँ, मैं बालिग हूँ। ठीक है जी। मेरा नाम अजय बाबू है जी। अब से मतलब 3 साल हो गए हमारे लोग चलते हुए, तो हम लोग ज़्यादातर घूमने में जाते थे, तो ऐसे देखा होगा और मैंने पसंद करने लगा था। अभी इनसे मेरी बात ही चलती रही थी, हल्के हल्के घर से पता पड़ गया था। अब नहीं पता पड़ गया था, मैं एक दलित समाज से आता हूँ, वाल्मीकि समाज का हूँ, ये मुस्लिम है। तो घर वाले जो थे वो इस चीज़ से नाखुश थे, तो उन्हें रोकना चाहा पर ये नहीं मानी, तो उनके साथ गलत व्यवहार भी करा, मारा तोड़ा उन्हें, सब कुछ करा। इन्हें बताया वो जो भी था, तो बस इन्हें मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझसे पसंद नहीं आ रहा है, और मुझसे जल्दी जाओ, मुझे शादी करो, मैं तुम शादी करना चाहती हूँ। तो फिर ये घर में कुछ करते होंगे, तो ये भी कैसे ना कैसे कर अपने दूसरे घर, दो घर हैं इनके, वहाँ चली गई थी। वहाँ जाकर इन्हें मुझे फ़ोन करा कि मुझे और यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से ले जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता। फिर मैंने ये करा, फिर मैं इनको वहाँ से ले आया, और लाने के बाद मैंने इनसे पूरे हिंदू रीति रिवाज से इनसे शादी कर ली। हाँ, आज अभी ऑफिस में एक नवविवाहित जोड़ा आया था मेरे पास, जिनका क्या कहना है कि लड़की मुस्लिम थी, उसने हिंदू बनके शादी करी है, और उनका ये था कि घर वालों के चूँकि मर्जी के अगेंस्ट शादी करी है, तो वो लोग उनको धमका रहे हैं, उनसे उनको भय है। तो मेरे द्वारा SHO भोजीपुरा, चूँकि भोजीपुरा के रहने वाले हैं, SHO भोजीपुरा को निर्देशित किया गया है कि उनको पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करें, और उनके परिवार वालों को भी समझा के ताकि इनके खिलाफ या इनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र ना हो सके और ये लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। जरूरतमंद लोगों के हमदर्द कहे जाने वाले डॉक्टर जावेद कुरैशी ने जबरदस्त ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर फिरोज अहमद के साथ मिलकर जौहरी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रामा सेंटर का आगाज किया है, जहां 24 घंटे मेडिकल पैथोलॉजी, एम्बुलेंस, डिजिटल एक्सरे, सभी तरह के ऑपरेशन, न्यूरोलॉजी, ENT, स्त्री रोग विशेषज्ञ, पेशाब में होने वाले सभी तरह की बीमारियों का इलाज, साथ ही यूनानी पद्धति से जटिल लोगों का इलाज किफ़ायती दरों पर किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर फिरोज अहमद टूटी हुई हड्डियों, बच्चों के टेढ़ापन, दूरबीन विधि के जरिए घुटने, कंधे का इलाज करते हैं। जौहरी हॉस्पिटल का पूरा पता है नशेमन कॉलोनी, निकट सतीपुर चौराहा, सैटेलाइट रोड, बरेली।